बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हजम मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 21 दिल हिज्जा 1442 हिजरी है, 31 जुलाई 2021 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, आप सब लोगों से ख़ास और ख़ुसूसी गुजारिश है, तवक्कलना ऐप किसी से भी आप शेयर मत करें, यह आपका अपना निजी मामला है, यह आपकी अपनी प्राइवेसी है, इसके अंदर आपका अपना इकामा है, पासपोर्ट है, आपके डिपेंडेंट की फ़ोटोज़ है, आपकी फ़ोटो है और उनकी पूरी मालूमात है, आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री इसके अंदर है, इकामा एक्सपायर कब हो रहा, पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा, कहाँ गए, किधर गए, कितना वक्त, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। दूसरी बात यह है कि आपने पहला डोज कब लिया नहीं लिया और दूसरा डोज लेने के अहल कब बनेंगे आप, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और तवक्कलना ऐप के ज़रिए ही आप हर चीज़ का आप जो है कंट्रोल इसमें देख सकते हैं। सेहती ऐप के ज़रिए से भी आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज का, और तवक्कलना ऐप के ज़रिए से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसी तरह आप लोग उमरा जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, तमाम मालूमात के लिए हर एक का अलग अलग ऐप है, लेकिन तवक्कलना ऐप सबका एक मास्टर ऐप है समझो आप, जिसमें आपको डिजिटल इकामा भी मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, ये आपका जो ऐप है इसकी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर मत करें, क्योंकि अगर कोई भी आदमी खुदा नखास्ता अगर ये इन्फॉर्मेशन ले लिया तो आपके ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इसको निजी रखें। तवक्कलना ऐप ने अपने सारे फैन को तंबीह की है कि वो निजी मालूमात को राज में रखने का अहतमाम करे, कि किसी को निजी मालूमात में शरीक ना करे। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना ऐप ने सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो ज़ाती मालूमात निजी पैगामात के ज़रिए तवक्कलना के सरकारी अकाउंट्स पर ही अरसाल करे, ताकि इन मालूमात से कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा सके। याद रहे कि तवक्कलना ऐप अपने सार्फिन को मुतअद्दिद सहूलतें फराहम कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाना, कोरोना टेस्ट के लिए बुकिंग करना, मुख्तलिफ एजेंसियों का डाटा फराहम करना शामिल है। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो वायरस चल रहा है अभी तो कम हो रहा है और तीसरी लहर बहुत तेज़ी से आने वाली है, ये कहा जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर, और जिसके ऊपर जो है पूरा रिसर्च चल रहा है। अब वो रिसर्च में ये देखा जाता है कि कहीं ये कोविड के अंदर कोई और वेरियंट तो शुमार हो गया या नहीं हुआ, इसका म्यूटेशन बन रहा नहीं बन रहा। फ़िलहाल ये खबर आई है कि अभी कोई म्यूटेशन नहीं बना, नया वेरियंट अभी तक नहीं आया, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त केरला के अंदर है और केरला के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी गई है, लेकिन वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ है ये देखा गया है कि भाई उनके अंदर सिम्टम्स अभी ऐसे पैदा नहीं हुए कि ये नई बीमारी से लड़े। वैक्सीन तो सबको दी जा रही है, लेकिन जिन जगहों पे लोगों को कोरोना हुआ था और वैक्सीन दी गई, पहला डोज दूसरा डोज, यही साउथ इंडिया के अंदर जैसे आंध्रा है, तेलंगाना है, या कर्नाटका है, या मद्रास है, तमिलनाडु है, तो इन जगहों पे जिन लोगों को भी कोरोना हुआ था तो जब वैक्सीन दी गई पहला डोज दूसरा डोज, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ उनके जिस्म में पैदा हो गई, क्योंकि यहाँ पे केसेस पहले ज़्यादा थे, यहीं पे जो है डेल्टा वायरस बना था आंध्रा के अंदर, फिर यहीं से जो है फिर फैलता गया, ऐसा होता गया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वो हुआ। अभी केरला में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीन 1 वैक्सीन 2 दे दी गई है, लेकिन जो लोग अभी भी बाकी है उन्हें कोरोना नहीं हुआ, लिहाजा उनके अंदर अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो इसलिए उन लोगों से और तमाम लोगों से गुजारिश की जा रही है कि पहला और दूसरा डोज ले लो। और यही जो पूरे इंडिया में भी कहा जा रहा है कि भाई पहला और दूसरा डोज जल्द से जल्द ले लो, ताकि आप लोगों की तबीयत अच्छी हो जाए। दिल्ली के अंदर भी ग्राफ नीचे गिर रहा है और महाराष्ट्र के अंदर भी ग्राफ नीचे गिर रहा है, और जितने साउथ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स थे पहले ग्राफ ऊपर जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्राफ पूरा नीचे आ रहा है, यानी अल्लाह का शुक्र है कि अब वहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने कह दिया है कि तीसरा वेव हो सकता है, ख़तरनाक आए, उसके लिए जो है
पहले से तैयारी कर लो, यानी पहले से वैक्सीन ले लो, ये भी कह दिया गया है। मैं हमारे जितने भी तमाम दोस्त हैं इंडिया के अंदर हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारा अब ये प्रोग्राम देखते हैं कि भाई आप लोग भी ये जो है ले ले, वैक्सीन ले ले, टीका ले ले, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप महफूज हो तो आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे। उसी तरह हमारे जो मेंबर्स पाकिस्तान में हैं, सऊदी में हैं, गल्फ़ में हैं, अमेरिका, लंदन, दुबई, अफ्रीका, जहाँ कहीं भी है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग भी वैक्सीन वन ले लो, और वैक्सीन टू का जो टाइम जैसे सऊदी अरब में दिया गया है उसी हिसाब से हम वैक्सीन टू भी लेने वाले हैं, और हमारा भी अपॉइंटमेंट आ गया, आप लोग भी ले ले, क्योंकि अगर वैक्सीन आप ले लेते हैं तो आपके लिए ही अच्छा रहता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर जो है 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लोग माशाल्लाह वैक्सीन ले लिए हैं, और एक एक दिन में कई कई लाख लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी ले रहे हैं और दूसरे जैसे अमेरिका में भी ले रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ, सबसे पहले आप ये देखो कि भाई पूरी निगाह, पूरी दुनिया की निगाह हज के ऊपर थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हज हो गया अल्लाह के करम से, पूरे लोग अपने अपने घर चले गए, मदीने शरीफ भी गए, वहाँ से भी अपने अपने घर चले गए। और मिनिस्ट्री ने बताया कि एक भी केस ऐसा नहीं आया जो जो है वायरस के मुतालिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हज जो है बड़ी आसानी से हो गया, अल्लाह का घर अल्लाह बुलाया, अपने हाजियों को हज करा दिया। आप लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें, जितना जल्द देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे बाबा बाबा इसे आगे नहीं आते स्टार्ट स्टार्ट। अरे वाह दोस्त वाह, क्या बात है, चलो बस बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुफ्त करके देखो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, करिए करिए करिए, आपका नाम? मेरा नाम संतोष है। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर मोहिंद दुबे के, हम भिवंडी में कपिंग करने आए, कैसा लगा ट्रीटमेंट? सर मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं दो साल से ये बीमारी से साइटिका से परेशान था, मैंने बहुत डॉक्टर की एलोपैथी, एक दो महीना गोली टैबलेट्स लेके मुझे ठीक लगता था, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होता था, लेकिन मेरे रिलेटिव ने डॉक्टर से आपके नाम बताया तो मैं आज सुबह चला आया इधर, तो इनकी वजह से भी आधे घंटे में मैं चलने में लगा हूँ, और मेरे लिए अभी ये भगवान है। इस दौरान बोल रहे हैं कि लोग परेशान होते हैं, केमिकल खाते हैं, तो केमिकल खाना चाहिए या कपिंग कराना चाहिए? नहीं, कपिंग बहुत बेटर है, ये कुछ दवाई भी नहीं दी इन्होंने, सब बाजू भी किया है, ट्रीटमेंट बाहर से किया है, तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, और एलोपैथिक में बहुत साइड इफेक्ट है और रिजल्ट भी नहीं है, तो एक महीने के लिए ठीक हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अभी इन्होंने जो किया आधे घंटे में मुझे रिजल्ट मिला है, 89% तो मैं फुल क्लियर हो गया अभी मुझे लग रहा है। इस चीज और हमने चैलेंज किया कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट आपने कैसा पाया? नहीं, अच्छा बहुत अच्छा वर्ल्ड का ट्रीटमेंट, मेरे लिए अभी भगवान है, मैं बहुत डिप्रेशन में गया था कि ये मेरी उम्र में 45 एज में ये मुझे बीमारी चालू हो जाए हो गई है, मेरा फ्यूचर कैसा हो जाएगा, तो इसमें बहुत मैं टेंशन में था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे अभी इतना हौसला दिया, ठीक किया, बहुत इनके ऊपर खुश है, इनका ये ट्रीटमेंट और इनका एहसान मैं जिंदगी भी नहीं भूलूंगा, जो भी मेरे कोई दोस्त है रिलेटिव है उसको मैं सजेस्ट। मला 2 वर्षापासून सायटिकाचा प्रॉब्लेम आहे आणि मी भरपूर फिजिओथेरपी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर केले मी, पण महिना 2 महिन्यासाठी मला बरं वाटायचं, कारण त्यांनी ॲलोपॅथिक औषध द्यायचे, ते पेन किलर द्यायचे, महिन्यावर बरं वाटायचं, पुन्हा प्रॉब्लेम चालू व्हायचा, पण मी भरपूर या प्रॉब्लेममध्ये मी त्रास सहन केला, भरपूर त्रास झाला होता, मग माझ्या रिलेटिव्हनी डॉक्टरांचं नाव सजेस्ट केलं, मग मी आज सकाळी इकडे आलो, मी ॲक्च्युली हा प्रॉब्लेम 2 वर्षापासून आहे, आज आलो या डॉक्टरांनी माझ्याकडे कपिंगची ट्रीटमेंट मला दिली, मला खरोखर 100% रिझल्ट मिळालेला आहे, आणि मी तुम्हालाही सजेस्ट करतो की डॉक्टरांकडे जा आणि ट्रीटमेंट घ्या, खरोखर तुम्हाला बरं वाटेल, आणि डॉक्टर माझ्यासाठी हे देव आहे। थँक्यू।